अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जेई स्कोर पे, जहां पे मिलता है आप लोग को बिल्कुल ही यूनिक कंटेंट और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। तो अगर आपका भी है एग्जाम यूपी आर्मल TG2 का तो ये वीडियो देखना ना भूलें। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं यूपी आर्मल TG2 के पास्ट ईयर पेपर को एक बार देखेंगे और आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए फॉर गेटिंग श्योर शॉट सिलेक्शन इन यूपी आर्मल TG2। तो एक बार अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम लोग इस दिए गए पेपर के ऊपर जो मैंने अपलोड कर रखा है इस पर अगर हमें फोकस किया जाए तो यहां से देख सकते हैं कि यह यूपी आर्मल का 15/7/2021 का पेपर है और जो शिफ्ट है वो 2:30 से 5:30 वाली शिफ्ट है और TG2 इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। आप लोग को पता है कि TG2 के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल के होते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि टेक्निकल का क्या लेवल आ रहा है और आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पेपर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। और जो मैं आप लोग को क्लास में करवा रहा हूँ, जो मैं आपको TG2 में करवा रहा हूँ, वो है TCS आधारित क्वेश्चंस। जैसा TCS बनाता है क्वेश्चंस को, TCS आधारित क्वेश्चंस हैं वो सारे। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर आप लोग को पेपर चाहिए होगा ये तो मुझको बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। पूछ रहा है स्टेट वेदर द गिवन फैक्ट अबाउट सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर आर ट्रू। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सिंक्रोनस मोटर के लिए और इंडक्शन मोटर के लिए सही है या गलत है। पहला, सिंक्रोनस मोटर कैन बी ऑपरेटेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर। कह रहा है जो सिंक्रोनस मोटर है उसको हम लोग डिफरेंट पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं, उसको हम लोग डिफरेंट पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है उसको आप लीडिंग लोड के लिए भी ऑपरेट कर सकते हैं और लैगिंग लोड के लिए भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पावर फैक्टर के लिए ऑपरेट हो सकता है। दूसरी बात, जो इंडक्शन मोटर है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है, जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। किस पे काम करती है? लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, ये पता होना चाहिए। अगर इंडक्शन जनरेटर होता तो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती। अब देखिए ये सारी चीज़ें जैसे फेस सीक्वेंस का पूछा गया था, बोल रहा है कि EMF ऑफ फेस बी लैग बिहाइंड फेस ए बाय 120 डिग्री। कह रहा है अगर ये फेस बी है तो ये फेस ए से 120 डिग्री पीछे है और जो सी है वो बी से 120 डिग्री पीछे। अगर ये सी है तो बी से 120 डिग्री पूछ रहा है फेस सीक्वेंस क्या है। भैया फेस सीक्वेंस क्या होगा? तो इसका फेस सीक्वेंस क्या होगा? फेजर को आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। तो क्लास में करवा रखा है ए बी सी, इस भाई साहब ने दो मार दिया क्योंकि इन्होंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात आप? तो देख रहे हैं, आपको मशीन भी पूरी पता होनी चाहिए, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, और इसके बाद आपको ये देखिए ये आपके लैंप के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, आपको इल्यूमिनेशन भी पता होना चाहिए। मतलब जो सिलेबस जेई का है वो सारा सिलेबस आपका है, जो सिलेबस जेई का है। अब ये देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट द सिग्नल वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, एनालॉग कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग को समझ में आनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सही वे में आप लोग की तैयारी हो, क्योंकि यूपी आर्मल TG2 का अगर आपको पेपर निकालना है ना तो आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके आपका यूपी आर्मल TG2 का पेपर निकलेगा, जिसके अंदर आप लोग का इल्यूमिनेशन भी है, हीटिंग भी है, वेल्डिंग भी है, मशीन भी होगा, सर्किट भी होगा, तब जाके आप लोग का पावर सिस्टम भी पूरा होगा। मतलब सारा लेवल आप लोग को जेई का करेंगे तब जाके आप लोग का TG2 का लेवल पूरा होगा। बाकी जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो खुद भी पेपर देते हैं जेई का, उनका जेई का पेपर नहीं होता,
कभी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन हो गया जी, कभी कहते हैं जी सिलेबस चेंज हो गया जी, ठीक है। तो आप पढ़े उनसे जिन्होंने एग्जाम में झंडे गाड़ दिए, ठीक है। सारे एग्जाम को निकालने का एक ही तरीका होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी आपकी तैयारी एक लेवल अप होनी चाहिए, तैयारी आपकी एक लेवल अप होनी चाहिए, तब जाके आप लोग के एग्जाम निकलेंगे। बात रही कब तक आएगा पूरा पेपर है, अगर चाहिए होगा सॉल्यूशन चाहिए होगा बता दीजिए, सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बात रही कब तक आएगा एग्जाम, तो एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम कब तक आने की संभावना है। देखिए जो यूपी आर्गनल टीजी टू है ना, जो यूपी आर्गनल टीजी टू है वो आप लोग का एग्जाम होगा अक्टूबर एंड के आसपास या अक्टूबर मिड के आसपास। तो लगभग लगभग आपका 45 डेज है, इन 45 दिन में आप फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, 45 दिन में आप लोग फुल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको सिलेबस एक स्पेसिफाइड तरीके से करना होता है, ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा टाइम ना दें। जैसे मैं करवाता हूँ, जैसे मैंने मशीन हम लोग ने 12 से 15 लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। सर्किट थ्योरी 6 लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से अपने आपको टाइम देना पड़ेगा, और एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लास्ट अटेम्प्ट दीजिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग का फुल सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा हमारा त्रिशूल 1.0 चल रहा है टी जी टू के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। जिसके अंदर आप लोग को ब्रीफ कंसेप्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल 5000 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। तो आप लोग इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। 5 सितंबर तक फीस 699 थी, आज 6 सितंबर है, बट ये ऑफर आज भी मैंने वैलिड कर दिया, आज भी अलाउ कर दिया है। तो जितने बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी टाइप का डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।